हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है मैं नीतू आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ स्कीम्स एंड प्रोग्राम का जितने भी स्कीम्स हैं 2021 की सारी इंपॉर्टेंट स्कीम जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैंतीस से ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं जितने क्वेश्चन है सभी बच्चे लास्ट में जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसने कितना स्कोर किया है और आप सभी को पता है कि हम एस एस सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो जो बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट फड़ अपनी आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट सभी बच्चे फटाफट आ जाओ भाई ताकि जो है आप खुद को भी एनालिसिस कर सको जब आप आंसर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है यानी कि आपको कितना और पढ़ने की जरूरत है तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है फटाफट आंसर कीजिए हाँ जी पहला क्वेश्चन देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बुजुर्ग बुजुर्गो की बात देश के साथ नाम का कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है बुजुर्गों की बात है देश के साथ का जो कार्यक्रम है वो कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है चार ऑप्शन है आपके सामने पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और डी ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ठीक है तो यहाँ पर जो है आपको आंसर बताना है कि क्या जो है इसका सही आंसर हो सकता है फटाफट रिप्लाई कीजिए बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ठीक है अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएम मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया घटना का विषय क्या है मतलब जो पीएम मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन जो किया है उसकी घटना का विषय क्या है पहला ऑप्शन है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया बी ऑप्शन है कल्चर ऑफ इनोवेशन इन आवर स्कूल सी ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम ऑफ असेसमेंट होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और डी ऑप्शन है इनोवेटिव एंगेजिंग लर्निंग, तो -फड़ आंसर क्या जो है उस घटना का विषय है तो यहाँ पर स्कूल इन इंडिया ओके क्लियर है थर्ड क्वेश्चन है हमारा आयुष मंत्रालय ने एक वर्ष में कितने घरों में औषधियां पौधों के पौधे पो, वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है कौन सा है भाई पचहत्तर पचहत्तर हजार पचहत्तर लाख या पचहत्तर करोड़ तो यहां पर जो आपको आंसर देना है फटाफट आंसर दीजिए यहां पर जो आपका आंसर होगा बिल्कुल भाई सही बच्चे सब आंसर सही दे रहे हैं सही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस संगठन के सहयोग से प्लास्टिक समझौता शुरू किया है ए ऑप्शन है यूनिसेफ इंडिया फेसबुक इंडिया सी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और डी ऑप्शन है यू ठीक है तो आपको सही आंसर देना है तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा भाई सी ऑप्शन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया तो सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कोयला मंत्रालय पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो फिर आंसर दिया करो कोयला मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है पहला ऑप्शन है जल जीवन बी ऑप्शन है बड़ेगा भारत सी ऑप्शन है वृक्षा रोप रोपन अभियान और डी ऑप्शन है ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी तो यहाँ पर जो है आपको आंसर देना है कि कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन वरीक्षारोपण अभियान कौन सा होगा भाई वरीक्षारोपण अभियान ठीक है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एरियाज किस के केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी एक पहल है कौन सी है भाई ए ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ठीक है तो यहां पर जो है आपको सही आंसर देना है कि किससे जुड़ी हुई एक पहल है तो यहां पर आपका आंसर होगा भाई सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी तो सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले में सोच मुक्त प्लस गांव बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है पहला ऑप्शन है सुजलाम्स बी ऑप्शन है सुगम सी ऑप्शन है प्रीशियस और डी ऑप्शन है स्वच्छ ठीक है तो आपको आंसर बताना है कौन सा जो है अभियान शुरू किया गया है तो आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल ए ऑप्शन होगा साथ के साथ आंसर करते हुए चले और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि नॉलेजेबल है हाँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है तो वही वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है ना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए ठीक है बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समृद्ध योजना लागू कर रहा है कौन सा कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ठीक है तो आपको आंसर देना है कि कौन सा जो है वो सम्र... योजना लागू कर रहा है तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल क्या हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने किस राज्य केंद्र अंदर शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए पर्यटक ग्राम नेटवर्क शुरू किया है तो भाई ये नया नया जो है अब यहाँ पर ऑब्वियसली गोवा पंडुचेरी असम या फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है अभी कहते हैं ना जम्मू कश्मीर को आप जो है आ, इंडिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं मतलब खूबसूरत खुँछ, खूबसूरती वहाँ पर कम नहीं है लेकिन आ, क्या कह रहे पाकिस्तान और इंडिया का इतना ज़्यादा जो विवाद वहाँ पर लड़ाई दंगे इस वजह से जो है लोग वहां पर थोड़ा जाने से और फिर अब तो चलो जो जम्मू कश्मीर है वो हमारे स्टेट में आ गया है ठीक है तो अब जो है हम आ, सभी चाहते हैं कि वहां पर रह रहे लोगों को रोजगार मिले लोगों को काम मिले है ना उसके लिए क्या होगा जब पर्यटक वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो फिर होटल की जरूरत खाने खाने पीने की आ, बसों की गाड़ियों की ये सारा जो है उन लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा ठीक है तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहां पर लोगों को क्या मिलेगा भाई रोज़गार मिलेगा ठीक है और ये कहाँ पर हुआ है भाई आपका जम्मू और कश्मीर के अंदर कहाँ पर हुआ है जम्मू और कश्मीर में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि और बागवानी क्षेत्र के किसान किसानों के लिए किस राज्य द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्म निर्भर बागवानी योजना दो यो, दो नई योजनाएं हैं पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश सेकंड है हरियाणा सी है गुजरात और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश तो आंसर कीजिए भाई यहाँ पर जो है कहाँ पर कौन से स्टेट के अंदर ये शुरू किया गया है किस राज्य में शुरू किया गया है तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई मिशन वात्सल्य किस राज्य ने शुरू किया है मिशन वात्सल्य ठीक है तो मिशन वात्सल्य जिसने शुरू किया है गोवा ने महाराष्ट्र ने झारखंड ने या राजस्थान ने अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर डालिए आंसर बिल्कुल निकल के आएगा यहां पर बिल्कुल सही है आपका आंसर है आपका आंसर होगा बी ऑप्शन महाराष्ट्र ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं के कौशल को बढ़ाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है कौन सी योजना है मेरा काम मेरा नाम योजना किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं के कौशल को बढ़ाने की मदद के लिए जो है शुरू की गई है पंजाब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र या राजस्थान तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा भाई ए ऑप्शन पंजाब कहां पर शुरू की गई है कौन से राज्य में की गई है तो पंजाब के अंदर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है तो छत्तीसगढ़ पंजाब आंध्र प्रदेश केरला तो यहां पर भी आपका जो सही आंसर होगा वो होगा भाई छत्तीसगढ़ क्या होगा छत्तीसगढ़ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है शिपिंग मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की घोषणा की है तो शिपिंग मंत्रालय ने कौन से राज्य में तो उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में केरला में या असम में ठीक है तो कहां पर की गई है भाई असम के अंदर तो आपका आंसर जो है वो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य ने कोविड नाइनटीन प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की गई है कौन से राज्य ने जो है कोविड नाइन्टीन प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की है असम हरियाणा मणिपुर या बिहार तो किसने की है मणिपुर के अंदर कहां पर हुई है मणिपुर के अंदर ठीक है तो सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राज्य ने 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करते हुए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है तो गुजरात के अंदर की है छत्तीसगढ़ में की है पंजाब में या केरला में तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा भाई कहां पर शुरू की है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना ये शुरू की गई छत्तीसगढ़ के अंदर कहां पर हुई है छत्तीसगढ़ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के बैंक ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है केरला कर्नाटका हरियाणा बिहार तो कहां पर हुआ है ये हुआ है आपका कर्नाटका के अंदर कहां पर हुआ है कर्नाटका ठीक है तो बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा आंसर देते रहिए क्वेश्चंस पढ़ते रहिए समझते रहिए कहीं पर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है आप अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने प्रशिक्षण के माध्यम से कारीगरों और बुनकरों के उत्थान के लिए कार खंडर, योजना शुरू की है तो कहां पर हुई है भाई हरियाणा जम्मू कश्मीर गुजरात या मध्य प्रदेश तो ये हुई है भाई आपकी अगेन जम्मू कश्मीर के अंदर कहां पर हुई है जम्मू कश्मीर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट फिटनेस कार्ड प्रदान करेगा तो कौन पर करेगा भाई ओडिशा बिहार हरियाणा या झारखंड तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा भाई ए ऑप्शन ओडिशा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाडू नेदू पहल का दूसरा चरण किस राज्य में शुरू किया गया है नाडू नेदू पहल का दूसरा चरण किस राज्य में शुरू किया है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला या कर्नाटका कहां पर हुआ है ये हुआ है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर कहां पर हुआ है आंध्र प्रदेश ठीक है तो ये ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कपड़ा क्षेत्र के लिए पी ए एल आई योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है कितनी की गई है नौ हजार पाँच सौ पचपन करोड़ ग्यारह हजार नौ सौ चौसठ करोड़ बारह हजार सात सौ तिरपन करोड़ या फिर दस हजार छः सौ तिरासी करोड़ किसके लिए पी एल आई योजना के लिए तो कपड़ा क्षेत्र के लिए पी एल आई योजना के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है तो ये की गई है दस हजार छ सौ तेरासी करोड़ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एनडी एन जी डी आर ए एस नाम से एक भू, एक नई भूमि दस्तावेज पंजीकरण पन, प्रणाली शुरू की है तो किसने शुरू की है भाई दिल्ली तमिलनाडु जम्मू कश्मीर एंड ओडिशा तो कहां पर हुई है ये हुई है भाई आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर ठीक है तो सी ऑप्शन आपका सही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू करना है तो किसके तहत शुरू करना है सौ मित्वाम स्वनिधि या फिर स्वीकर ठीक है तो इनको जो शुरू करना है वो सब मित्र के शुरू करना है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई किस राज्य ने दुआरे सरकार नामक एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है तो किसने शुरू किया है भाई किस राज्य ने दुआरे सरकार के नाम से तो ओडिशा वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ या झारखंड तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई रिप्लाई करना मत भूलो आपका आंसर जो है बताते रहो तो यहां पर आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल क्या होगा वेस्ट बंगाल हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शगुन किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है गुजरात महाराष्ट्र पंजाब या मध्य प्रदेश तो शगुन जो है वो आपकी पंजाब पंजाब की क्या है एक योजना है तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है सी ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नई एम रेट नीति दो लॉन्च की है किसने लॉन्च की है भाई गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र किसने लॉन्च की है कौन सी नीति ये याद रख लेना न्यू एम सेंड ठीक है इंग्लिश में इसको एम सेंड कहेंगे एम ब्रेक जो है वो हिंदी में कहेंगे ठीक है तो ये किसने किया है राजस्थान किसने किया है भाई राजस्थान ठीक है जिन बच्चों ने राजस्थान आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है ठीक है बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की है इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा किसने की है मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश या फिर असम किसने किया है भाई फटाफट आंसर कर दीजिए किसने जो है घोषणा हाँ जी किसने घोषणा की है मेघालय तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन किस केंद्रीय मंत्रालय ने फार्मास्यूटिक्स के लिए पी योजना की मंजूरी दी है किसने दी है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ठीक है तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल आंसर कीजिए भाई सभी बच्चे तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य ने राज्य द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है किसने लिया है भाई उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश असम या आंध्र प्रदेश तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश ठीक है पशुओं के लिए एम्बुलेंस योजना या नेटवर्क जो है वो किसने किया है आंध्र प्रदेश ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ऑपरेशन समुन्दर सेतु द्वितीय द्वारा शुरू किया गया है किसके द्वारा किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आईआईटी बॉम्बे इंडियन नेवी आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट लिमिटेड तो किसने किया है ये आपका जो है ऑपरेशन समुंदर सेतु द्वितीय ये जो स्टार्ट किया है वो इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया है ठीक है किसने स्टार्ट किया है इंडियन नेवी ठीक है इसी के साथ हमारे थर्टी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य क्या है क्या वाक्य है भाई गुड डाइट गुड कॉन्शन बी ऑप्शन है हेल्दी डाइट सेफ इंडिया डाइट फॉर अ बेटर इंडिया हेल्दी चाइल्ड रिच इंडिया ठीक है तो इन आहार क्रांति का, का जो मिशन है उसका जो मोटो है उसका जो मोटो क्या है गुड डाइट गुड ठीक है तो ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई किस राज्य ने मिशन 2.0 नाम से पहल शुरू की है किस राज्य ने मिशन 2.0 उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब किसने शुरू किया है तो ये जो शुरू किया है ये आपका शुरू किया है पंजाब ने किसने शुरू किया है पंजाब यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा ठीक है बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ सिल्वर लाइन किस राज्य की प्रमुख रेल योजना है किस राज्य की है तमिलनाडु केरला महाराष्ट्र या गुजरात किसकी है भाई ये योजना है आपकी केरला की तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है और जिन बच्चों ने आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लागू करता है कौन करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री 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 ऑफ 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 माइंस और होम अफेयर ठीक है तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय किसकी भाई प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कौन लागू करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स कौन करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्वेक्शन उद्यमिता शिखर सम्मेलन है किसके द्वारा है भाई आपका उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश गोवा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना तो किसके द्वारा जो है है ये तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा गोवा क्या होगा भाई गोवा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी इसी के साथ जो है हमारे क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट अब हम जो है अगर आप अन अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं क्वेश्चन खत्म हो गए हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं 35 क्वेश्चन हमने किए और 35 में से आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है ये आपका होमवर्क है भाई ये आप मुझे डेफिनेटली बताएंगे ताकि मैं देखूं कि भाई जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका कितना स्कोर आ रहा है ताकि आप और अच्छे से अपनी मेहनत कर सको ठीक है अब जो है अगर आपने अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं या सोच रहे हैं अन अकेडमी पे नए हैं तो जो है आप जो है ए एस जो कोड है रेफरल कोड है वो यूज कर सकते हैं और जिससे जो है आपको फ्री में क्लासेस मिलेंगी प्लस अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पर भी काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा जो आपका आप, रेफरल कोड है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 8 सितंबर से जो है आपके इन सभी के जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हैं जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर देख सकता है ये देखिए भाई काफी अच्छे खासे ऑफर ये जो है यहाँ पर पूरा चार्ट है Uh, 24 मंथ 12 मंथ और 6 मंथ और जब आप इसमें रेफरल कोड यूज करते हो लाइक आपने ए एस दो यूज किया तो जो है आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ठीक है और अगर आप जो है तैयारी कर रहे हो और अगर आप बुक लेना चाहते हो ठीक है तो आप जैसे ईयरली मतलब पूरे साल का आपको करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ नाइनटी नाइन रुपीज में यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें ढाई हजार के आसपास जो है क्वेश्चन हैं सारे ओलंपिक आपके यहाँ से रिलेटेड हैं मतलब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखा है कुछ एक्स्ट्रा नहीं है और सबसे अच्छी बात है इंग्लिश वालों के लिए भी और हिंदी वालों के लिए की भी क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज में है यानी कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है तो दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल है तो आप इस बुक को ले सकते हो ठीक है साथ में अगर आप मैथ्स की बुक लेना चाहते हो सारे मैथ्स के ट्रिक की फॉर्मूले हैं ताकि जिसमें क्योंकि मेन क्या होता है एग्जाम तो सभी बच्चे पास कर लेते हैं लेकिन क्या होता है स्पीड बहुत करती है ठीक है जब आप अपने मैथ्स और रीजनिंग की स्पीड को इंप्रूवमेंट करते हो ना तो आप जो है पेपर को आधे से ज्यादा जो है आप एग्जाम को वैसे ही पास कर जाते हो क्योंकि नाइनटी uh, एटी uh, से एटी परसेंट बच्चे ऐसे हैं होते हैं जो अपनी स्पीड को मैनेज नहीं कर पाते मतलब तो उनको सब कुछ है लेकिन स्पीड मैनेजमेंट के चक्कर में उनका पेपर जो है वो रह जाता है ठीक है तो इसके लिए यही है मैथ्स और रीजनिंग के आपको ट्रिक्स करनी पड़ेंगे क्योंकि बिना ट्रिक्स के आप एग्जाम को पास नहीं कर सकते ठीक है तो ये दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज है या आपकी हिंदी अगर आप इंटरेस्टेड है तो इन बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर होती है हमारी क्लास खत्म अगर आपको क्लास लगी हो तो भाई एक लाइक तो बनता है और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए फिर मिलेंगे ऐसे नहीं इंटरेस्टिंग क्लास के लिए तो फिर तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू